तो बारिश ने सारा सेटअप बिगाड़ दिया। ये देखेगा सब, मैं आपको क्या बताऊँ, बस अल्लाह पाक की रहमत है। बस मैं कहता हूँ रहम की बारिश हो, ज़्यादा नुकसान वगैरह ना हो, हमारा भी ना हो, किसी और गरीब का भी ना हो। लेकिन रिमझिम हो रही है। कल ये सारा दिन चली, रात सारी रात चली गई। तो आंटी का जो कमरा था उसी का काम कर स्टार्ट करवा दिया। मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कितना काम हुआ कितना नहीं। तो गुड़िया हमारा जूस पी रहा, ला ले माशाल्लाह कितना प्यारा है, क्या है ला ले मेरे प्याला गुड़िया। आप ऐसा नहीं करें। सॉरी 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 प्लीज प्लीज, मैं जा रहा हूँ। पर आंटी का काम नहीं हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंटी का जो कमरा था उसी का काम नहीं हो रहा था। तो दो दिन का ऐसे उस बंदे ने रुकवा दिया कि मैं आऊँ प्लाट दिखाऊँ, तो उसी ने प्लाट दिखवाया। उसी के बाद बारिश आ गई, तो आज भी बारिश थोड़ी बहुत चल रही, लेकिन मैंने कहा कुछ भी हो जाए आज काम स्टार्ट करवाना है। तो आज इंशाल्लाह थोड़ा बहुत काम निकल जाएगा। कमरा सिर्फ दो या तीन दिन का है, मिस्त्री माशाल्लाह बहुत अच्छा है, काम मंडी के निकल रहा है। दो तीन दिन में, तीन चार दिन में इंशाल्लाह कमरे को कर देगा कंप्लीट। और कल गाइस बारिश ने ये हालात कर दिए हैं, मैं आपको क्या दिखाऊंगा। ये देखेंगे सारी दीवारें हमारी गिरा दी है, ये देखेंगे और वो देखेंगे। तो फिलहाल लेपाई शेपाई को हमने छोड़ दिया है, अब बारिश की सीजन चली जाए तो उसी के बाद लेपाई करेंगे। देखेंगे जहाँ थोड़ी बहुत लेपाई ज़रूरत होगी तो वहाँ करेंगे, वरना नहीं। तो अभी भी रिमझिम हो रही है, अल्लाह करे ज़्यादा बारिश ना हो। मैंने देखा कि आसपास के लोग हैं ना, उनके घर बेचारों गिरा दिए हैं, बहुत से बेचारे उनके घर गिर गए। गुड़िया गए तबीयत सही नहीं, गुड़िया को जुलाब लग गए थे गाइस। तो ये ना हम सुई वगैरह लगवाए, इंजेक्शन सुबह इंजेक्शन का हमने लगवाया है। कल जुलाब उसको गुड़िया को लगे थे, तो आज इंजेक्शन लगवा के आए। उस टाइम दिन के बज रहा है एक, हमारे तरफ से सभी को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो खाना शाना हमने खा लिया, बारिश पैसे ज्यादा आ गई है, तूफान ज्यादा है, बारिश भी चल रही है ना, अभी देखें क्या हो गया। ये वाली बारिश आए तो फिर हमारे घर में पानी नहीं आएगा। ये वाली एक ही बारिश आ रही है तो हमारे घर में पानी आ रहा है, हवा ज्यादा लगती है तो हवा की वजह से आ रहा है। वो गिर जाएगा उस भाई का। हाँ वो मुझे शक लग रहा है गिर जाएगा, सारा टेढ़ा हो गया। नहीं हाँ जी टेढ़ा हो गया सारा। उसने लेपाई शेपाई की नहीं, हमने लेपाई ज्यादा की है, कम की लेपाई कुएं। हाँ उसने सारा काट दिया है कुएं। हाँ जी कुएं ज्यादा आया, ये शुक्र है अपने घर में नहीं है। अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि दुश्मन हो उसका भी घर वगैरह न गिरे, उसका भी नुकसान ना हो। ऐसे ही उस भाई ने तंबू डाल दिया है, तंबू डाल दिया। हाँ जी और अभी निकाल रिमझिम हो रही है, मैं जाता हूँ, उस्ताद मुझे बुला रहा है, देखते हैं क्या कहता है। मेरे ख्याल से काम रोक देंगे क्योंकि बारिश चल रही है, अभी अगर काम करेंगे पैर भी गिरे गिरेगा नहीं। ओए 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 ये तो बढ़ गई, वापसी जाते हैं बिक जाएंगे, थोड़ी रुक जाए तो उसी के बाद जाएंगे गाइस। ओए 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 भागो भागो राजू भागो राजू भागो राजू भागो राजू भागो। ओए ओए ये इधर तक आ रही गाइस, ये क्या हो गया, ये हवा लग रही सारी बारिश इधर आगे आ रही। गुड़िया क्या करें, अब क्या करें, गुड़िया ये पानी किसने गिराया है, ये इतना ज्यादा पानी किसने गिराया, आपने गिराया। ये देखो ये कोई बात नहीं हुई, अच्छी लगती। हाँ जी आपको बातें अच्छी नहीं लगती गुड़िया, ले माशाल्लाह। बारिश रुक गई, उधर देखते हैं काम चल रहा है कि नहीं, क्यों देखना पड़ता है गाइस। अल्लाह करे कि आज ना अच्छा खासा काम निकल जाए, कल परसों तक ना काम हो जाएगा कंप्लीट। टेंशन एक होता है ना वो गाइस हो जाए खत्म, क्योंकि एक बारिश की मौसम होती है ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम करवाना इधर उधर। कल आपने गाइस देखा इधर कितना पानी था, आज देखेगा बिल्कुल पानी नहीं है। तो ईटन ये पड़ी है, तो उस्ताद ने अभी खाना खा रहा, खाना खा दिया। तो ये दोनों लड़के थे ये भी खाना खाने गए, तो ये खाना खा के आ जाए। तो दिन का 1:30 बज रहा है, उसी के बाद पैसे काम स्टार्ट करते हैं गाइस। उस्ताद कह रहे हैं कोई खास टेंशन नहीं है, बारिश में काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये देखें गाइस इतना बड़ा हम कमरा बनवा के दे रहे हैं आंटी को, तो ये आंटी का लड़का ये साथ में काम करवा रहा है। तो इंशाल्लाह आज जो भी काम थोड़ा बहुत होता है ना वो करेंगे, बस अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ज़्यादा ना बारिश वगैरह ना हो, अगर ज़्यादा बारिश हो गई फिर काम रुक जाएगा। और ये वाला भाई इनका इसी का कमरा देखेंगे, ये खाली मिट्टी का बनाया हुआ कुछ इस तरह का है, तो ये शायद गिर जाए। देखेंगे तंबू डाल दिया है, इस तंबू में अभी बैठा है, ये फिलहाल ऐसा छोड़ दिया है, ये गिरने में शायद गिर जाए, क्योंकि इसको लेपाई अच्छी वगैरह नहीं की थी तो उस वजह से ये गिर जाएगा। लेपाई अगर अच्छी की होती तो शायद ना गिरता। ये देखेगा इस तरह कमरा बना दिया है भाई ने, लेकिन इस तरफ से ज़्यादा मुझे खतरा लग रहा है ये ऐसे गिरेगा। तो अल्लाह पाक दुआ के मतलब गिरे ना। और ये भाई ने इधर टेंट डाल दिया है, हुकूमत सिंध का ये जो मिला था ये वाला। बारिश बिगाड़ रही जल्दी जल्दी, बारिश निकाल पैर से मुझे बिगाड़ दिया, मोबाइल को बिगाड़ दिया, अभी जल्दी जाके सुखाते हैं वरना मोबाइल फिर ऑटोमेटिक चलता है गाइस। सारा सेटअप बिगाड़ दिया बारिश ने। ओए होए गोरी मुझे तो बारिश ने बिगाड़ दिया, क्या करें अभी। मैंने कहा उधर देखूं काम चल रहा है कि नहीं, तरह का अभी काम हो रहा है। देखेंगे ये इतना बड़ा कमरा हम बनवा के दे रहे हैं आंटी को गाइस, जैसे मैंने भाई को बताया तो उसी ने जैसे मुझे कहा मतलब जैसे ठीक लगे तो मुझे ऐसे ठीक लग रहा है, इतना बड़ा सही है क्योंकि ये फैमिली में तीन इतने ज़्यादा है नहीं। तो बारिश का बिल्कुल रुकती नहीं है, 5 मिनट में रुकती
होती है पैर से बारिश आ जाती है। अभी तकरीबन 10-15 मिनट बारिश रुकी थी, पैर से बारिश आ गई है। रिम जिम ज्यादा नहीं है, रिम जिम। शाम के बज रहे 3:50, मौसम अब काफी अच्छा हो गया, शायद बारिश ना हो, लेकिन बारिश के घर कोई पता नहीं चलता। 2 मिनट में बारिश हो जाती है, 2 मिनट में खत्म हो जाती है। बहुत बहुत तेज हवा लग रही है, लेकिन आसमान थोड़ा बहुत साफ आ रहा है, शायद बारिश ना हो। हवा देखेंगे, ओए होए होए बाप रे, और हमारा आंगन वगैरह अब सूख गए गाइस। आज बारिश हुई लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बारिश हुई आज लेकिन ज्यादा नहीं हुई। कल सारा दिन बारिश थी, रात को भी बारिश थी, आज सुबह को 1-2 बार बारिश आई थी, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं आई। अल्लाह पाक शुक्र है, अपने काफी मौसम बेहतर है, शायद बारिश ना हो। हमारे गुड़िया ये गाइस, इसको ना गुड़िया को जुलाब लगे तो ये कैनुला पड़ी है, ये बोतल ना अभी सोएगी तो हम चला देंगे। तो डॉक्टर ने लिख के दिए ये लाजमी आप डाल देना, तो ये तनला बैठी सही हो जाएगी। और दवाई वगैरह दिए, इंजेक्शन वगैरह लगवाए तो इंशाल्लाह सही हो जाएगी। कल ने इसको जुलाब लगे तो आज ने हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर कह रहा था कि अभी मौसम चल रही तो उस वजह से जुलाब लग गए गुड़िया को। 3:30 गौरी को मैंने दूध दिया था, इस टाइम तकरीबन 4-10 मिनट का में, तो अभी तक चाय नहीं बनी गई, हमारा बकरा बन रहा है, बकरा गोश्त। और आग जलना गौरी मुश्किल हो गए, बहुत मुश्किल हो गए, जला रहे हैं, छोड़ने वाले हम भी नहीं है सही। ये गांव में थोड़ा मसला है, लेकिन टेंशन नहीं है, गांव की जो लड़कियां हैं ना वो बड़ी मजबूत होती है, जो चीज पकानी होती है ना वो बड़ी मुश्किल से भी पका लेती है, छोड़ती नहीं है। तो अब हमारी चाय बन रही है, आधे आधे कप गोरी, आधे आधे कप। चूल्हा हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अल्लाह करे अपन बारिश ना हो तो वो पहले वाला चूल्हा वो इस्तेमाल करें सही गोरी। अल्लाह ले मेरे गुलिया को क्या हुआ, क्या हुआ गुलिया को, ऐसा कौन करता है, मेरे गुलिया नहीं करता ऐसा, ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे, अल्लाह ले छोटा गुलिया, नहीं रो रो नहीं, आपके बहन भाई देखेंगे तो कहीं गुड़िया क्यों रोती है, गुड़िया क्यों रोती है ऐसे कहेंगे। सुबह चाय ना हमारी बन के हो गई तैयार, ये देखेगा गोरी ने भी डाल रही है, अल्लाह पाक का शुक्र है अपन धूप निकल गए, बारिश की सीजन है, हम कहते हैं आए लेकिन राम की आए, ज्यादा बारिश ना आए, गरीबों का नुकसान वगैरह ना करे, किसी का जानी या मानी नुकसान ना हो। बाकी अगर बारिश आती है तो अल्लाह की रहमत है, वो थोड़ी बहुत आती है तो उसका टेंशन नहीं। तो अपन गए चाय बन के हो गई तैयार, पीते हैं चाय, अगर आपको पीनी तो आ जाओ। भाई सारे दिन में गए एक बार चाय पी रहे हैं, सुबह हमने कहावा चाय पी थी, उसी के बाद हमने चाय नहीं पी है, ये दूसरी बार हम ये दूध वाली चाय पी रहे हैं, क्योंकि हमारा नशा है नहीं, जब दिल करता है तो हम चाय पी लेते हैं वरना नहीं। और ये बाइक मेरे ख्याल मैंने आप दोस्तों को बताया था, ये ना उस मिस्त्री की है, तो उसने कहा कि ये ना बारिश में पैर स्टार्ट नहीं होगी, मुझे ना अपनी वाली बाइक ना वो खड़ी अंदर करनी थी, लेकिन वो ना खड़ी नहीं की, वो अभी तक बह रहे हैं, क्योंकि इधर जाए नहीं है, आगे इधर में लेके आऊंगा तो आंगन सारा टूट जाएगा, इसकी लेके आई मजबूरी थी। ऐसे ना कहे मिस्त्री के रूमी ने अपने घर में बाइक नहीं खड़ी की, ज्यादा तक मैं उधर खड़ा रहता हूँ मिस्त्री के ऊपर, क्योंकि मिस्त्री तो वैसे अच्छा है माशाल्लाह काम कर रहा है, लेकिन पैर भी खड़ा होता हूँ कि मैं कहता हूँ जल्दी काम निकल जाए। आजकल लोग आपको पता है सिर्फ पैसे बनाने में, जब मैं ऊपर खड़ा रहता हूँ तो ज्यादा काम निकालेंगे, लेकिन मिस्त्री जो है वो माशाल्लाह अच्छा है, हेल्पर भी वो भी अच्छे हैं, पैर भी का जिम्मेदारी होती है, तो उस वजह से मैं कहता हूँ अपना काम जिम्मेदारी से करवाऊँ, लेकिन पैर की जो आवाज़ है, पैर जो आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा है, आपको क्या है बताओ, डर डर की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, आवाज़ देखेंगे इस शर शर का आवाज़ आ रहा है। आज का पहला दिन था तो उस वजह से ना ये पानी ज़्यादा ले रहा है चिल्ला जो है वो, तो उस वजह थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, एक आधा थोड़ा ना हमने पहले बनाया था माल का, आधा अभी बना रहे हैं, तो ये काम का इसमें आपको दिखाता हूँ, ये काम इतना हो गया गाइस, तो इंशाल्लाह कल उस्ताद ये मंडी के काम निकालेगा, क्योंकि ये उस्ताद अपना दिल लगा के अपनी ईमानदारी से काम करता है। कल मौसम सही है, ज़्यादा मौसम ख़राब ना हो, जब बारिश की मौसम हो जाती है ना पैर काम करना मुश्किल हो जाता है। माल बन के हो गए तैयार ऐसे समझें, तो आधे तोड़े गाई है, इंशाल्लाह शाम तक उस्ताद ख़त्म कर देगा, तो शाम तक इंशाल्लाह अच्छा खासा काम निकालेगा। और अभी धूप देखेंगे बहुत तेज धूप निकल गया है, ये देखेंगे घर वगैरह जो गीले हैं ना वो सूख जाएंगे मिट्टी वाले, और ये भाई वाले घर देखेंगे इसमें ज़्यादा खतरा लग रहा है गिरने का, ये देखेंगे माल तैयार है बरबू, बस दे उस्ताद को जल्दी जल्दी काम निकालो, मैंने देखा है उस्ताद ने ऐसे फारिग बैठा होता है, प्रभु उसमें माल डाल रहा है, तो ये तकरीबन कोई 20-25-40 हो जाएगी, तो शाम तक इंशाल्लाह ये ख़त्म कर देंगे, एक तोड़े का माल बने ये तोड़ा पड़ा है, तो अभी 5-6 तोड़े पीछे हैं, तो उसमें ये इंशाल्लाह कमरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आंटी को कमरा दिखाया तो आंटी के लिए सही कमरा माशाल्लाह बड़ा है मेरे लिए, तो ये इतना बड़ा हम कमरा बनवा रहे हैं, उस्ताद काम कर रहा है, और वो वाला जो रूम था छोटा आप कह रहे थे उसी सिस्टर का, तो मतलब कोई बहन भाई जितना पैसा भेजता है मैं उसी हिसाब से बनवाता हूँ, तो उस भाई ने पैसे भेजे, उसने कहा बड़ा करके बनवाना, तो हम बड़ा करके बनवा रहे हैं, तो उसी सिस्टर ने कहा कि आपके लिए इतने पैसे भेज रही हूँ तो इसमें जितना काम हो वो करवाना है। उस्ताद माशाल्लाह मुझे अच्छा मिल गया है, जल्दी काम निकलता है और अपनी ईमानदारी से काम निकलता है, पहले मुझे मिस्त्री अच्छे नहीं मिल रहे थे, जब उस्ताद तहाँ घो टाइम थी नहीं कम में बस अट्ठे का 21 साल का हो गए उस्ताद को,
बस टाइम शाम के बज रहे 5:50, अभी तक काम चल रहा है। ये थोड़ा सा माल रह गया, तकरीबन 2-3-4 तक होगी। नीचे जो बुनियाद होता है ना, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो कल देखेंगे कितना काम निकलता है। वो सारा इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा। शाम का मौसम आपको पता है कमाल का होता है। बारिश ने गाइस सारे घर का गाइस ऐसा कर दिया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बस अल्लाह करके बारिश रुक जाए, शहर से इंशाल्लाह घर को हम साफ सुथरा अच्छा कर देंगे। क्या अकेला है मेरा गुलिया, अल्लाह ले माशाल्लाह, अल्लाह ले। एक चक मारो, जोर से नहीं मारना, आराम आराम। ऐसा मारते हैं क्या, किस तरह से चक मारते हैं? गोरी जोर से चक मार दिया, आप समझाया करो ना। मैंने कहा प्यार मोहब्बत जाऊं, छोटी है, छोटी है। अब 1 साल की हो गई, बड़ी हो गई है? नहीं नहीं अब छोटी है। अम्मी क्या कह रही, छोटी है, छोटी चक्के से मारती है, देखना। दिल नहीं कहता रोकूं। ये देखें गाइस, ये देखें, ये इधर निशान देखो, निशान। आपको क्या हो गया है, ऐसे चक मार रही हो? नाजुक उंगलियां हैं, चक मारूंगा तो दर्द होगा, दर्द जी। अब्बा क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला मेरे लिए? अब्बा कहो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कहो, अल्लाह मियां कहो, अल्लाह पाक कहो, कहो अल्लाह पाक। 1.5 साल का बच्चा फुल बोलता है यार। हाँ, 1.5 साल की हो गई है ना? हाँ जी, 1.5 साल की हो गई, पैर भी नहीं बोल रही, क्योंकि हम मिक्स में बोलते हैं। आपको पता है कभी कभार हम अपनी जबान बोलते हैं, कभी उर्दू बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, तो उस वजह से इसके लिए मुश्किल हो रहा है। नहीं हाँ जी, 3-4 दिन हो गए हमारे पास, मौसम ऐसा चल रहा है, बिल्कुल मौसम सही नहीं होता। इतनी मतलब बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, आज सुबह से लेकर अभी तक थोड़ी बहुत रिमझिम हुई, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं हुई। अल्लाह से हम दुआ करते हैं ज़्यादा बारिश ना हो, थोड़ी बहुत हो रहम की बारिश हो, क्योंकि ऐसे भी नहीं कि अभी मौसम चल रहा है तो अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि बारिश ना हो, ना हो, ये अच्छी बात नहीं है। हम कहते हैं बारिश हो लेकिन रहम की हो, ज़्यादा बारिश ना हो। अल्लाह पाक शुक्र है अभी तक हमारे घर का ज़्यादा नुकसान वगैरह नहीं हुआ, लेपाई वगैरह ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, थोड़ी बहुत लेपाई ख़राब हुई है, वो इंशाल्लाह पैर से हम लेपाई कर देंगे। कहीं कहीं से थोड़ी बहुत लेपाई निकल गई है, बाकी ज़्यादा लेपाई नहीं निकली है। जैसे अगर गुड़िया की तबीयत सही नहीं थी तो कल हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो ये दवाई वगैरह दी है, देखेंगे ये दवाई बड़ी ये हमने पिलाई है, और ये डिपन सुबह में डॉक्टर लेके आया था, इधर एक डॉक्टर है उसी से मैंने डलवा दी। हमने कोशिश की, हमसे नहीं मतलब लग रही थी ये डिप। माशाल्लाह मेरे गुड़िया थोड़ा बीमार हो गया, टेंशन हो जाता नहीं वरी। उन्होंने कहा हमारा है एक, हमारा है एक गुड़िया, हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जब डॉक्टर के पास मैं लेके गया तो मुझे एक बात का अंदाज़ा हो गया, डॉक्टर जो है ना वो मरीज देख के दवाई वगैरह नहीं देते, कंपनियों के कहने पे ना दवाई वगैरह देते हैं, तो ये ना मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया। अक्सर से पाकिस्तान में डॉक्टर ऐसे ज़्यादा आएगा। क्या लल्ले मेरा गुलिया, कितना प्याला है माशाल्लाह। क्या गुलिया निकाल दें, क्या ये निकाल दें, छोड़ लगे अच्छा नहीं लगे, आपको पता नहीं है गुलिया को, गुलिया कहला कि मुझे ना एलर्जी हो रही है। गोरी ये आपके आंसर में पढ़ा है, पढ़ा रहे पढ़ा रहे, ऐसा नहीं चलेगा। सुबह वाली चाय एक टाइम तो पीनी है, हमें सुबह चाय पीती लेकिन कावा चाय पी थी, दूध वाली नहीं पी, अभी पीनी है। ये डिप खत्म होगी तो अभी होने वाली बस थोड़ी सी रह गई है, तो मुर्गियां का हमारी सारी मर गई ऐसे समझेगा, बाकी नहीं ये एक रहती है, तो ये मैंने प्रभु को मैंने कहा आप लेके जाए तो उसी को बेच दे, 12-1 बजे खाना खाने जाएगा ना तो उस टाइम ये बेच देगा। मुर्गियों को पता नहीं क्या होगा, बीमारी होती तो ये साइड वाले घर हैं इनके मरते, ये वाला घर नहीं है इसके सारे मुर्गे बैठे हैं, ऊपर वाला ये भित पे एक घर है ना उनके सारे मुर्गे बैठे हैं। हमारे मुर्गों को पता नहीं क्या हो गया, सारे मर गए, अब पता नहीं बीमारी की वजह से मरे, इस भाई ने कोई चीज खिला के मरवाए तो कन्फर्म कुछ नहीं कह सकते। डिप गुड़िया निकालते हैं, आपको अच्छी नहीं लग रही, निकल दो जल्दी कर, निकाल दे निकाल दे निकाल दे निकाल दे, गुड़िया को अच्छी नहीं लग रही, निकाल दे। वो पेच कहाँ है, पेच कौन सा, इधर तो नहीं है, किन्नो लगा, किन्नो लगा होता है क्या? हाँ जी देख, मेरे ख्याल से नीचे बड़ा था ये, तो नहीं है। हाँ जी ये ना डॉक्टर है, मुझे तो पता नहीं चल रहा। अब जल्दी जल्दी निकाल, गुड़िया कौन अच्छा नहीं लग रहा, केनोला ये कहती है मुझे दे, ये केनोला नहीं निकालना, केनोला निकालोगी? नहीं केनोला नहीं निकालना, ये क्या मैं डालू, अब उसे डलेगा नहीं, गोरी डालेगी, ये अच्छा है, खेलने की नहीं है कितना गुलिया कितना बुझला मानता नहीं है। अब मैंने कह दिया गोरी डॉक्टर है, अब सारे नहीं नहीं तो ये बंद करने की क्या जरूरत है, फिर निकाल दे। नहीं इसमें ये पानी खड़ा है ना, अच्छा वो निकल गए, निकाल दे निकाल दे, अब छोड़ यार वीडियो पे छोड़ो, वीडियो डॉक्टर साहब निकाल रहा है गाइस, अब देखते हैं कैसे निकालता है, ये देखिएगा इस तरह निकाल रही है, निकाल दे निकाल दे निकाल दे, वाले आप ऐसा नहीं कर रहे, तनजीला डर रही है, नहीं नहीं डरेगी नहीं, ये शेर है शेर, डरने वाला गुड़िया नहीं है, निकल रहा है नहीं, हाँ जी मजबूत है, हाँ जी ये निकलेगा, ऐसे नहीं
ये निकलेगा, ये वाला या ये निकलता सारा, ये सफेद वाला है ना, ये निकलेगा। अब इसते अब छोड़ दे, खोल दे खोल दे खोल दे, क्या हाँ, गोरी निकाल, खोल दिया सफेद वाले से निकला, सफेद वाला निकला नहीं निकला। ये डाल दे इसमें, इसमें डाल दे, उसमें डाल दे, इसमें डलेगा ना। हाँ जी, अपना मेरे बन रही चाय, गोरी दूध पर चाय अच्छी बनाना सही है। बहुत तो मैं बेकार बनाऊंगी, बेकार चाय नशा नहीं देगी, आपको पता नहीं है हम बड़े नशा ही चाहेंगे। नहीं नहीं मैं जल्दी बनाऊंगी, अच्छी बनाओगी ना, बिल्कुल आपकी तरह बनाना सही है। मेरा गुड़िया गिल ना जाए, अल्लाह ले माशाल्लाह, अब मेरा गुड़िया तैयार है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारे बेड़ाना देखेंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन बारिश ने थोड़ा बहुत खराब किया है भाई, और सारा अच्छा लग रहा है देखेंगे। और ये वाला रूम भी माशाल्लाह हमारा अच्छा लग रहा है, इसमें कहीं से पानी नहीं आया, पहले इधर थोड़ा बहुत पानी आता था, इस बार कहीं से भी पानी आया, इतनी बारिश थी पैर भी पानी नहीं आया। नीचे जो फर्श है उसका बेड़ा गर कर दिया है बारिश ने। इधर क्या कर रहा है, आ मेरा गुड़िया है, क्यों से गुड़िया है, क्या क्या चाय बन के हो गई तैयार है, पीते हैं। गुड़िया पकड़ो पकड़ो, गोरी गुड़िया को पकड़ो। ये देखेंगे चाय आज कुछ अच्छी नहीं है, ज्यादा पानी था दूध में आन। हाँ जी। लगता है ऐसा है। कल काम हुआ था, ये वाला जो काम है ये आज हुआ है, तो अभी उस्ताद कह रहा है खिड़की दरवाजे और ऊपर छत का चीजें, छत की चीजें वो भी लेके आऊंगा, क्योंकि एक किराए में हो जाएंगी, अभी अगर नहीं लेके आऊंगा फिर दूसरा किराया देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ छत की चीजें अभी लेके आऊंगा, तड़े वगैरह लकड़ी वगैरह वो सारा कुछ अभी लेके आऊंगा, दरवाजा आज डालेंगे तो खिड़की आज डालेंगे। सुबह थोड़ी बहुत रिमझिम हुई थी, अभी शायद बारिश ना हो तो आज बता रहे हैं कि शाम तक बांस का सिस्टम खत्म हो जाएगा सिंध से। और बांस की मैंने नाप ले ली, बांस की लकड़ी और तदे की और खिड़कियों की दरवाजे की, तो हवा बहुत ही ज़्यादा लग रही है, तो ये सारी चीज़ें अभी लेके आते हैं, एक किराए में सारा काम हो जाएगा। घंटा डेढ़ लगेगा मेन, घंटे डेढ़ में इंशाल्लाह आ जाऊँगा गाइस वापसी। तो दरवाजे बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन दरवाज़ा हमने ये एक पसंद किया, ये दरवाज़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये देखेगा ये आंटी का जो घर है उसी में हम लगा के देंगे, तो अभी नहीं ये कुंडी वगैरह ये डालेगा, पहले दरवाजा बना हुआ है तैयार है, लेकिन कुंडी डालनी है, एक ऊपर डालेंगे एक अंदर डालेंगे। बड़े ये छोटे हैं, ये मैं अपने के लिए पहले लेके गया था, लेकिन मैंने देखा कि घर के अंदर खास अच्छे नहीं लग रहे, तो बंदा कुछ खो के सीखता है, तो अब मैंने कुछ मतलब ये मैंने सोचा कि ये दरवाज़ा सही नहीं, छोटे भी हैं तो थोड़ी जाम भी है, ये दरवाज़ा खुला भी है माशाल्लाह है देखने का अच्छा। ये एक दरवाज़ा लिया है, दो ये खिड़कियाँ ली है, ये इधर का काम हो गया, उसी के बाद लेंगे तदा, तदा और लकड़ी बांस की वो कहीं और से लेनी है, तो ड्राइवर आपको पता है ये है चाचू, और किसी को हम काम नहीं देते, किराए ये लेके आता है। उधर रेत होती है तो रेत में गड्ढा गाड़ी निकलती नहीं है, तो अभी तो बात चल रही है शायद मतलब रक्षा वगैरह सारा कुछ निकल जाएगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि किसी और को किराया दूँ, तो किराया चाची को ही देंगे जब भी काम होगा। और ये वाली जो बेती है ना संदल का इसको कहते हैं, ये मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, ये वाली इंशाल्लाह कभी लेंगे। तो ये तकरीबन बहुत सारी डिज़ाइन पड़ी है, ये देखें गाइस। और ये खिड़कियाँ जब मैंने खरीदी थी तो ये वाली लकड़ी मैंने नहीं डलवाई, इस बार मैं डलवा रहा हूँ कि मतलब कोई चीज़ अंदर घुस न जाए, जैसे कोई बंदा वगैरह खिड़की बड़ी है, इस बार ये लकड़ी मैं डलवा रहा हूँ। अपन मैं इधर बैठा हूँ, वो चाचू का मैं इंतजार कर रहा हूँ, चाचू आ जाए तो उसी के बाद ये लकड़ी वगैरह डलवाएंगे, तदे वगैरह। वो लड़का गया है तदा, इधर है नहीं उसी नाप का, दूसरी नाप पर लेने गया है, वो लेके आ जाए उसी के बाद वो तदा लेंगे, और लकड़ी इसके बाद पड़ी है 12.5 फुट की लकड़ी इधर से लेंगे ये वाली, ये तकरीबन 25 फुट की है, तो आधा आधा करेगा। तो मिस्त्री है उसी ने कहा कि 11 लकड़ी लेना, तो 11 लकड़ी लेंगे गाइस, और तदा गए तदा वो लेने गया है। दरवाजा और खिड़कियों का 16,000 का था, लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद 500 रुपये छुड़वाए, 15,500 में दो खिड़कियाँ और एक दरवाज़ा लिया है। और ये कमेंट में ज़रूर बताना महंगे लिए या सही लिए, और मैं कोई भी चीज़ लेता हूँ तो उसे बहुत ज़्यादा पैसे छुड़वाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 1,500 कम मिले। बांस की लकड़ी भाई काट रहा है, लेकिन बारिश रुकती नहीं है, बारिश क्यों नहीं रुकती भाई, बारिश रुक नहीं रही, 2 दिन आज पैर से बारिश हो रही है, सुबह वाले टाइम थोड़ी बहुत थी, अभी ज़्यादा है, तो इधर शहर में पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है। ये देखेंगे नहीं रुकेगी, परसों आज शाम को तो बता रहे हैं सिस्टम खत्म हो जाएगा, अपने इधर आगे चलते हैं, वो लकड़ी काट रहे हैं, तब तक मैं ले लूँ सब्जी वगैरह, तो समझे बैठी के लिए केले लेने वो देना है। ये सिलेंडर देखे कितना आवाज़ दे रहे हैं गाइस, और अपन जा रहे इधर आगे, हालात बहुत तंग लगे हुए गाइस। सारा गंद कचरा कर दिया गया बात नहीं, ये देखें, और अपने इधर आगे जा रहे हैं तो सब्जी वगैरह लेना है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। इधर टमाटर लेते हैं 1/2 किलो टमाटर लेते हैं, 160 रुपया किलो दे रहा है, और पाव भिंडी लेते हैं वो भी 160 रुपये, और बैगन वगैरह पड़े हैं, और ये तूरी वगैरह ये पड़ी है, और पालक पड़ी है, हम ले रहे हैं ये टमाटो और भिंडी। बैगन क्या रेट है? 100 रुपये। 100 रुपये
बैगन 100 रुपए किलो गए, लेकिन फिलहाल ये ले रहे हैं। ये तो खराब तो नहीं है? खराब नहीं, खराब फिर वापस लेके आना, सारे कच्चे ये काट के दो, पकाना फिर वापस लेके आना। सही है, तो सावधानियाँ लगा दें। बीच में ना बारिश आ गई, बारिश ने बिगड़ दिया, तो अभी एक हाथ निकाल के इधर से मैं चला रहा हूँ, रिकमिंग में चला रहा हूँ गाइस, क्योंकि बारिश हो गई तो खास टेंशन नहीं है। और बारिश के बाद ना हमारा इलाका देखेगा माशाल्लाह बहुत ही बहुत प्यारा हो गया है। अब स्लो चल रही है ना, शायद गिर जाऊँ, लेकिन गिरूँगा नहीं। बारिश रुकती नहीं है, रिमझिम हो रही है। अल्लाह करके आज शाम तक ख़त्म हो जाए, और बता भी रहे हैं कि आज शाम तक शायद ख़त्म हो जाएगी। सारे कपड़े शपड़े भिगा दिए, लेकिन मजबूरी है बंदे को, ये सारी चीज़ें टाइम पे करनी पड़ती है। क्योंकि मिस्त्री ने कहा कि आपने ये सारी चीज़ें लेके आए, साथ में मैं डाल दूंगा तो दिक्कत नहीं होगी, तो उस वजह से मैं गया, लेकिन बारिश रुकती नहीं। मैं कहता हूँ बारिश रुक जाए तो अच्छे से काम करवाएं। इधर से ना भी यू टर्न लेते हैं गाइस, केले केले अबू आपके लिए लेके आया है, केले अबू आपके लिए लेके आया। मैंने कहा मेरा गुड़िया खाएगा। और ये ना अभी 6 रोटी है, दाल है गाइस चने वाली, तो ये 70 रुपये की दाल लेके आया हूँ। और रोटी है सारा ने मतलब 200 रुपये का दिया है, उसमें ये थोड़ी सी सलाद भी दे दी है। नींबू का क्या हाल कर दिया है। गुड़िया भी खाएगा खाना, अल्लाह ले माशाल्लाह, गुड़िया भी खाना खाएगा। बारिश की मौसम लगी हुई तो मैंने गोरी बेचारी थोड़ी तकलीफ लेगी, तो उसी से चाय ये सारी चीज़ें ले लूँ। चाचू लेके आया है, ये 2 तड़े हैं, तो इसी को कटिंग करेंगे। अभी लकड़ी 11 लकड़ी उसका निकाला, तो 11 लकड़ी लेके आए। और ये दरवाज़ा लेके आए, दरवाज़ा मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, खिड़की भी है, तो ये अभी खिड़की और दरवाज़ा साथ में डाल देंगे। अभी शाम के बज रहे हैं 4:40, शाम हो गए, माशाल्लाह काफ़ी मौसम अच्छा हो गया है। तो अब मैं आप दोस्तों को चल के दिखाता हूँ कि आंटी के घर का कितना काम हुआ है, कितना नहीं। जैसे कल काम किया था, आज सारा दिन काम किया है। आज बारिश हुई लेकिन ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई थी। काम का रुका नहीं, काम चल रहा था। तो अपने चल के देखते हैं काम कितने तक पहुंचा, कितने तक नहीं। और आपने गाइस कहोगे कि आपने ठेले का कह रहे थे, तो ठेला क्यों नहीं लगाया अभी तक? ठेला इसी वजह से नहीं लगाया कि बारिश की सीज़न चल रही, तो मैं कहता हूँ कि अभी ज़्यादा जो बारिशें बता रहे हैं तो ये चली जाए, तो उसी के बाद पैसे काम स्टार्ट करेंगे। मैं काम स्टार्ट कर दूँ और बारिशें ज़्यादा, फिर धंधा भी ना हो, ऐसे ना कि जो मैं पैसे लगाऊँ वो मेरे ज़ाया हो जाए, तो उस वजह कुछ दिन मैंने सब्र किया। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि घर का जो खर्चा होगा ना वो साइड में निकल जाएगा, YouTube से हम थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे ना वो हम साइड पे बचा देंगे। हमारे घर का बुरा हाल कर दिया बारिश ने, और ये इस तरह ईंटे डाल के इधर ना हम लेपाई कर देंगे, तो बारिश का जो पानी होगा ना वो अंदर नहीं आएगा। और तरपाल थी ना वो गाइस हमने बैर की साइड बांधी थी, तो उस वजह से बारिश का पानी अंदर आ रहा था। तो अब अंदर की साइड पर इधर बांधेंगे, अब बैर निकाल देंगे, तो बारिश का पानी इंशाल्लाह नहीं आएगा। एक दूसरा जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो पहले वाला जुगाड़ वो काम नहीं दे रहा था, बारिश का पानी अंदर आ रहा था, तरपाल हमने बांधी पैर भी, तो इस बार मैं अच्छे से तरपाल बांधूंगा, इंशाल्लाह बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। और एक हमारा बहन था, हमारा भाई था, वो कमेंट कर रहा था कि बारिश की ने अपनी मौजें करवा दी है वेरांडा बना के। बाद में मुझे समझ में आया कि वन सिस्टर ऐसे ही कह रही थी कि बारिश वो आपके बरांडे में ज़्यादा अंदर आएगा पानी। इधर जो पानी पड़ा था ना वो निकाल के वो भाई ने लेके जा रहे हैं गाइस, तो ये खड्डा बिल्कुल खाली करना है, इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी पड़ी है ना वो काम आएगी हमें लेपाई करने में। उधर आंटी का काम कितना हुआ कितना नहीं, तो शाम का मौसम हो गया काफ़ी अच्छा हो गया। अब सिस्टम ऐसा लग रहा है कि बारिश ना हो, देखेंगे ज़्यादा तक ना मतलब कहीं से वैसा नहीं लग रहा कि बारिश होगी। काम गाइस माशाल्लाह आज भी अच्छा खासा निकला है, मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कितना काम हुआ है कितना नहीं। ये देखेंगे ये इतना काम आज उस्ताद ने निकाला है, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन का काम है ये हम कर देंगे कंप्लीट, तो बारिश लगर ना हो। और ये देखेंगे इस तरह ये खिड़की पीछे डाली है, एक खिड़की इधर डालेंगे दरवाजे के लिए, ये साइड पर जाए हमने छोड़ दिए, तो ये इस तरह काम हो रहा है। आगे वाली दीवार इसलिए नहीं बना रहे कि ईंटें वगैरह वो उठाने में पीछे वाली दीवार के लिए मुश्किल हो जाएगा। पीछे वाली दीवारें और साइडों वाली दीवारें ये ऊपर हो जाए, तो उसी के बाद साइड आगे वाली दीवारें इसको हम ऊपर करेंगे। तो आज 1.5 तोड़े का माल बनाया है, 1 तोड़ा हमने डाल दिया, ये आधा पड़ा ही है, इंशाल्लाह शाम तक उसका डाल देगा, तो 1.5 तोड़े का माल आज निकल जाएगा। इसी अम्मी का ये था घर, तो इसमें थोड़ा मुश्किल था, मैंने में मुश्किल लगन दो यो मुश्किल मुश्किल बरसात उंडा ढी दुखियो कर बरसात है काड़ो वगैरह दुखियो लगन दो यो लगन दो तपश थिंदी भी जे कोई भाज उठारा दे नी ला दुआ कंजो अल्लाह कंदो अल्लाह कंदो दुखियो दी को दिसन दो आ रात दी ला दुआ ती गुरा मुजो कमरो बेहतरीन सजी जिंदगी जो मुजो सुख ठायो जी। आजकल जो जो दौरा में मतलब इंसान जो प्रसाद रखना बिल्कुल घट हुंदा है, इंशाल्लाह दुआ करेगी। तो उस भाई के लिए जो ने इसको घर बना के दे रहा है, इसी टेंट में रहना इतना मुश्किल गाइस, क्योंकि हम खुद रहे हैं तो हमें पता है धूप इतना ज़्यादा लगता है, और कोई मतलब चीज़ अच्छे से बंदा ना तो पका सकता है ना तो खा सकता है। दादी खुशी थी से मुझे बेहतरीन हर सामान सुठो ईमानदारी से आयो बिल्कुल सुठो आयो बाबा पांटी गेरे के हर चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है मेरे लिए,
तो इंशाल्लाह इसी को कमरा अच्छा करके बना के देंगे। अगर ईंटें कम हो गई तो पैर से लेके आएंगे।